लिए प्रयास किया है कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख न पहुंचे, कोई आहत न हो, कोई निराश न हो और किसी के साथ कोई अन्याय न हो। श्रीनिवास वाह, कितना झूठ बोलेगा रे तू। आप एक एक करके बताइए कि आप किसको चुनेंगे सेक्रेटरी के रूप में। दिनेश सक्सेना, मेरा वोट वागले जी के लिए। तक काका को 4 और मुझे 2 वोट मिले, अब बचे मैं, काका और पंटर। श्रीनिवास वागले, मेरा वोट जाता है मुझको। I knew it. श्रीनिवास वागले जिंदा बाद, श्रीनिवास वागले जिंदा बाद, श्रीनिवास वागले। भाइयों, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। मेरा वोट जाता है मुझको अपने आचरण से सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाला दक्षेश जोशीपुरा। ओह माय गॉड, काका आपने मुझे चुना। ओह माय गॉड, थैंक यू। क्या किया है काका आपने? कल राजेश भाई के साथ में हमारी बात हो चुकी थी ना। ये आदमी कितना दिमाग का दही करता है पता है ना आपको। लेकिन सेक्रेटरी के रूप में इस सोसाइटी के लिए यही सही है, दक्षेश जोशीपुरा। थैंक यू। तूने सुन जालक, अभी सोसाइटी के सेक्रेटरी के लिए मेरा वोट जाता है दक्षेश जोशीपुरा को। क्या 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 वोट 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 बोल रहे हैं, वोट बोल रहे हैं। अबे अभी खुद का वोट तो तू खुद को देगा कि नहीं देगा? मौका आ गया है देख। अबे अभी हो गया इलेक्शन, हमारी सोसाइटी का नया सेक्रेटरी है दक्षेश जोशीपुरा। यस यस, ओ माय गॉड काका। ए बाबा, थैंक यू। मौका आ गया पंचर। ओ माय गॉड राजेश भाई, गॉड काका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आप लोगों ने मुझे चुना। क्यों? क्योंकि कल रात राजेश ने हमें एक बात कही थी। देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए आपने जो लुभावने वचन दिए सोसाइटी मेंबर्स को, उनका दक्कू भाई ने जमकर विरोध किया। अब उस विरोध के पीछे दक्कू भाई की ये वजह है कि साई दर्शन हाइट्स और उसकी समस्याओं को वो आपसे बेहतर समझते। अब ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपने मेंबर्स को ललचाने के लिए वो वचन दिए थे, वैसे उसमें सोसाइटी की भलाई नहीं थी। बात सही है, जैसे बिल्डिंग पे होर्डिंग लगाना, डकू का विरोध सही था। और वो गार्डन को भाड़े पे देने का जो वचन था उसका विरोध भी सही था डकू का। एग्जैक्टली, मतलब अगर डकू भाई चाहते तो वो ऐसे वचन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। दैट शोज हिज कैरेक्टर एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी। और इसीलिए मेरी नजरों में दक्कू भाई से बेहतर सेक्रेटरी इस सोसाइटी को नहीं मिल सका। तो मेरी बस अर्जी है, बाकी आप दोनों की मर्जी। राजेश भाई, क्या बात है? मेरी बात मानने के लिए पापा आपका और हर्षद भाई आपका दोनों का धन्यवाद। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात से 16 आने इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि डकू इज द बेस्ट सेक्रेटरी दिस सोसाइटी कैन है। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे राजेश भाई, स्वागत नहीं करेंगे क्या आप हमारे नए सेक्रेटरी साहब का? व्हाट? बिल्कुल बिल्कुल। ओह माय गॉड, तालियां हो जाए हमारे नए सेक्रेटरी के लिए। थैंक यू राजेश भाई।
बस 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 अभी ज्यादा इमोशनल मत बन। नए सेक्रेटरी साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज पापा के बायोग्राफी के विमोचन की परमिशन भी दे दीजिए ना। हाँ हाँ दे। हाँ हाँ शांति हो गया हो गया हो गया हो गया। मेन मुद्दे पे आइए। ओके कुछ कहने जा रहे थे जी। ये मेरे नए कार्यकाल का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरे द्वारा लिखित श्रीनिवास काका की बायोग्राफी का विमोचन, जिसका नाम है श्रीनिवास वागले की दुनिया। क्लैप इट। ये तो चलो बाकी सब रेडी हो जाओ दादाजी की बायोग्राफी के विमोचन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दादाजी आप भी रेडी हो जाइए। हाँ। हाँ। वंदना भाभी। ओहो क्या बात है। कैसा लगा मेरा विमोचन लुक? बहुत सुंदर सुपर। अरे तेरा लुक तो एकदम सुपर है सुपर बावरी। लेकिन ये देख दक्कू का लुक देख एकदम शॉक हो गया है अभी तक। कुंभो खाई डुक्का डुक्का कुंभो। अरे डुक्का कुंभा जल्दी करिए राज तुम भी तैयार हो जल्दी जाओ। एक मिनट क्या इस दिशा पापा माँ कहाँ है विमोचन तो होने के हाथ होगा ना। एक काम करना अथर्व का अथर्व को भेज दादी को बुलाने के लिए। डॉक्टर अपने कपड़े आयरन करो और दादी को मैं कब से कॉल करूँ उनका फोन एंगेज आ रहा है। दादी को मैं बुला के ला। हाँ जा। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं तुम्हारी दादी बिजी है मोबाइल में फोन आया हुआ किशोरी का उसमें बात कर रही। लेकिन दादाजी आपको कैसे पता कि किशोरी दादी का ही कॉल होगा? बस पता है मुझे। देख मनोज तेरे पापा को ना पता चल गया है कि मैं तुमसे चुप चुप के बात करती हूँ और तुमसे मिलती भी हूँ। क्या बात कर रही हो मम्मी? फिर तो भड़क गया होगा श्रीनिवास। मनोज तू इस तरह पापा का नाम लेता है ना जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मत क्या कर ऐसा। हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो मम्मी दुनिया में अच्छे दो ही लोग हैं, एक श्रीनिवास वागले दूसरा उसका बेटा राजेश वागले। मैं तो हमेशा से गलत था मनोज। अगर ऐसा होता ना तो मैं तुमसे मिलती नहीं और बात भी नहीं करती। अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन गलती तो तुम्हारी है ना। अगर तू गलत नहीं है तो तू सही है ये साबित करने के बजाय तू घर से दूर क्यों चला गया? मनोज तेरे पापा के बायोग्राफी का विमोचन है मुझे जाना है देर हो रही हा? मैं बाद में बात करती हूँ। अरे मम्मी अगर वैसे बातों बातों में एक बात तो तू सच कहेगी मम्मी कसूर तो मेरा ही था जो मैंने अपने आप को सही साबित करने की कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब मैं साबित करके रहूंगा कौन सही है कौन गलत। बहुत दूर रह लिया मैं वागले की दुनिया से अब आ रहा हूं और वादा है मेरा श्रीनिवास वागले की ये दुनिया अब लोग मनोज की नजरों से देखेंगे और सबको पता चलेगा कि कितनी झूठी है ये वागले की दुनिया। काका बैठिए। प्रणाम वन्ना भाभी। प्रणाम। राधिका राधिका अरे विमोचन। शांति शांति शांति। तो अब मैं परम पूज्य बन्ना भाभी के साथ राधिका मासी से अनुरोध करूंगा कि वो मेरे द्वारा लिखित श्रीनिवास वागले की दुनिया का विमोचन करे। मासी एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे कवर लचक जाएगी रे क्या कर रहा है? मासी अरे ए, एक मिनट दीवारी लाइट। हाँ हाँ तालियां। अब मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो आप सब में हाँ हाँ यही कि वो आप सबको ये बुक बांटे और एक सेकेंड
अब मैं श्रीनिवास काका से अनुरोध करता हूं कि वो दो शब्द कहें। दो शब्द। मेरा तुझसे अनुरोध है, चुपचाप बैठ जा। हैं? हो गया हो गया हो गया, बैठ काका, आप शुरू करो। मेरी जो बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी नहीं, मेरे जीवन का एक एक पन्ना है। मैंने अपना जीवन खुली किताब की तरह जिया है। ऐसा जीवन जो हर एक कॉमन मैन जीता है। मैंने ये प्रयास किया है कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख न पहुंचे, कोई आहत न हो, कोई निराश न हो और किसी के साथ कोई अन्याय न हो। श्रीनिवास वाह, कितना झूठ बोलेगा है तू, कितना हा? यहां जमा हुए लोगों ठीक से सुन लो, ये इंसान जो भी कह रहा है ना, ये सब झूठ है, फरेब है। क्योंकि ये इंसान ही झूठा है। ये सोशल मीडिया पे अपनी तारीफ लिखवाने वाले श्रीनिवास वागले ने बहुत लोगों को दुख पहुंचाया है, बहुत, जिनमें से एक मैं भी हूं। क्यों श्रीनिवास, सच कह रहा हूं ना मैं? ओ राजेश वागले, चुप क्यों बैठा है, बोलना। Excuse me, who are you and how can you talk like this? Hey! कोई बीच में नहीं बोलेगा। आजकल बाप हुआ मैं। ये क्या भाषा बोल रहे हैं आप? अरे बाप है तो बाप ही बोलूंगा ना, बाप थोड़ी बोलूंगा। वैसे पाप बहुत किए तेरे बाप ने, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं अब तक। ये तेरा बाप राजेश और उसका बाप आदर्शवादी श्रीनिवासवादी, ये दोनों जितने दिखते हैं उतने भोले है नहीं, गुनहगार है दोनों। इन दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है। हेलो, हु आर यू? राजेश भाई है कौन ये, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अंदर घुसने की? व्हाट? जोशीपुरा। जोशीपुरा है ना तू? इस बिल्डिंग का चुना हुआ वॉचमैन। हेलो, माइंड योर टंग, ओके? वो तो गलत क्या बोला मैं, ये लोगों के घर पे बालकनी पे नजर रखता है ना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सुखा रहा है, तो वॉचमैन ही हुआ ना तू। और वो तिवारी,
पगार एक देता है, काम दस करवाता है। अभी भी गेट से हटा के यहाँ पे ओ काम पे लगा के रखा है तूने उसको। बिल्डिंग के फर्स्ट सिटीजन। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि भाइयों, ये श्रीनिवास वागले की झूठ और फरेब से भरी बायोग्राफी आप लोग कोई पढ़ना मत। इसकी सही बायोग्राफी मैं तुमको बताऊंगा मैं। ये कौन है तू? कौन है कौन तू? हाँ कौन है तू? ओ राजेश भाई, जानते हो क्या आप इसको? कौन है कौन? हाँ दोबारा ऐसा मत करना। इधर इधर। अर्शद अग्रवाल ये मंच पे बैठे सारे वागले परिवार के सदस्य मुझे जानते हैं। आइए वंदना और बच्चे मेरे बारे में शायद ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन ये राजेश वागले, उसका आदर्शवादी बाप श्रीनिवास वागले मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्यों राजेश वागले परिचय नहीं करवाओगे मेरा? राजेश भाई कौन है? कौन ये उद्दंड इंसान? हाँ डैडी, कौन है ये? ये मेरा बड़ा भाई है, मेरा दादा मनोज वागले। राजेश वागले, मैं कदम तक नहीं रखूंगा तेरे घर में। जो भी कहने आया हूं ना, यहां से कहूंगा और ये इन सबके सामने कहूंगा। अरे तुम लोगों ने मेरा नाम तक हटा दिया तुम्हारी जिंदगी से। ये श्रीनिवास की बायोग्राफी में जिक्र तक नहीं है मेरा। आपने पढ़ी बायोग्राफी? मैंने लिखी। आई एम दक्षेश जोशीपुरा। हाँ तो तूने ही लिखी है ना, तू जानता है मेरे को? ये श्रीनिवास वागले अगर मेरे बारे में लिखवाता तो तू जानता ना मुझे? जानता है क्या? नहीं। तो यही बताने आया हूं मैं। जैसे इन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, वैसे ही इस बायोग्राफी से भी निकाल दिया। लेकिन ये बायोग्राफी तब तक अधूरी और झूठी है जब तक मेरा मनोज वागले का चैप्टर नहीं है इसमें। और मैं बताएगा तेरे को ये श्रीनिवास ने और राजेश वागले ने मेरे साथ क्या क्या किया, बताएगा मैं तेरे को। फिर लिखना तू।
कैसा तमाशा कर दोस्त? तुमने कहा था ना हमसे कि हम तुम्हारा जिक्र कभी भी ना करें, तुमने कसम दी थी कि हम तुम्हें भूल जाएं, तो उन्हीं बातों को दोहरा कर हमें भला बुरा कह रहे हो? ए राजू, छोड़ ना उसे, क्यों पत्थर पे सर पटक रहा है? पत्थर? तुम्हारे लिए तो पत्थर ही था ना मैं बचपन से, लेकिन श्रीनिवास, हर पत्थर में भगवान बनने की ताकत होती है और वही बन के आया हूं मैं, पावरफुल मनोज वागले। मनोज, मम्मी आज बोलने दे मेरे को। अरे 22 साल से ज्वालामुखी में जैसा लावा भरा होता है ना, वैसे जज्बातों को भर के रखा है मैंने। और तूने कहा था कि मैंने अपने आप को सही साबित नहीं किया, आज वही करने आया हूं मैं। तो राजेश वागले, आज खाली इतना ही कहना है कि ये मनोज वागले वापस आ गया। तुम लोगों ने तो मुझे तुम्हारी जिंदगी का भुला बिसरा गीत समझ के भुला दिया, लेकिन अब मैं एक नए पिक्चर का ट्रेलर बन के आया हूं। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ ट्रेलर है, मनोज की पिक्चर अभी बाकी है। बहुत मजा आएगा तुझे और मुझे। क्या है ये तमाशा जो हो रहा है ना, ये सिर्फ तेरे घर पे नहीं होगा, हर उस जगह होगा जहां जहां तू और मैं आमने सामने होंगे। चाहे तेरा घर हो, ये सोसाइटी हो, चाहे तेरा ऑफिस हो, और लोगों को भी बहुत मजा आएगा देखने में, क्योंकि वो देखेंगे कि कैसे तूने और श्रीनिवास ने मेरे साथ जो जो किया है उसका बदला लेता हूं मैं। क्या बदला? क्या बात, क्या कर रहा है? अरे क्या बोल रहा है तू? मम्मी मम्मी मम्मी, बदला मतलब रिवेंज नहीं रे, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब अभी थोड़ा अर्जेंट है। हाँ, 2 मिनट में कॉल बैक करता हूं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, एक्सचेंज। बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगा, ये बताने एक्सचेंज मतलब क्या। चलता हूं मम्मी। तू बोली थी तेरा चांद हूं मैं, चांद हमेशा रहता है। श्रीनिवास, चांद आ गया है, अब हो सके तो अपने इस सूरज को ग्रहण से संभालना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.